हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है तरन्नुम साकिब चैनल में। तो जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एक न्यू रेसिपी सीखने के लिए, एक न्यू वीडियो देखने के लिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ डोरा केक की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। देखिए बिल्कुल चॉकलेटी है। तो ये मैंने बनाना है ओरियो बिस्किट से, तो चलिए बनाते हैं। हम बनाएंगे पेन केक, डोरा केक बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो ये मैंने 2 पैकेट ओरियो बिस्किट ली हूँ, इसके क्रीम निकाल लेंगे। मैंने पहले ही इसको खोलकर निकाल ली थी, तो यहाँ मैं क्रीम निकाल लेती हूँ। इसी तरह से हमें सारे क्रीम निकाल लेने हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी बनता है। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में है, वायरल है, तो मैं सोची कि क्यों ना मैं भी बना लूँ। इसलिए मैंने भी सोची इसकी रेसिपी आप सबको ज़रूर शेयर करना चाहिए, तो आप सब भी बनाइएगा। तो चलें बनाते हैं। पहले इसको हम सारे क्रीम को निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने सारे क्रीम निकाल ली हूँ। बिस्किट को हम तोड़ लेंगे। तो यहाँ मैं ले ली हूँ ग्राइंडिंग जार, इसके अंदर बिस्किट तोड़कर इस तरह से डाल देंगे। हमें पहले इसका पाउडर कर लेना है, फिर थोड़े थोड़े से दूध ऐड करके इसको पीस लेना है। तो यहाँ मैंने सारे बिस्किट ऐड कर दी हूँ जार में। क्रीम ऐड नहीं करना है, क्रीम हमें बाद में काम आएगा। अभी हमें दूध भी ऐड नहीं करना है, पहले इसका पाउडर बनाते हैं, उसके बाद इसका पेस्ट बनाएंगे। तो मैंने 10 वाला 2 पैकेट बिस्किट ली थी, तो चलें पाउडर बना लेते हैं। हाँ, मैंने पाउडर इसे बना लिया है। अब इसके अंदर थोड़े से दूध ऐड करेंगे। थोड़े ही थोड़ा ऐड करके हमें इसको अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेना है। यहाँ मैंने पेस्ट रेडी कर ली हूँ, देख सकते हैं आप। अब इसे बॉल में निकाल लेंगे। तो इसी तरह हमें निकाल लेना है। यहाँ मैंने बॉल में ऐड कर ली हूँ। यहाँ डालेंगे 2 से 3 बूंद वनीला एसेंस। यहाँ मेरा दूध भी इतना बच चुका है, इसमें दूध कम ही लगता है। यहाँ डालेंगे इनो। तो हमें पूरी फुल पैकेट नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे। तो आप ऑयल, घी, बटर जो भी ऐड करना हो आप कर सकते हैं, ये ऑप्शन है, डालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि थोड़ा देर तक मैं फेंट लूँ इसे, जैसे हम केक की मिक्सिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आने लगे हैं। तो चलें अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने गैस पे पैन गरम कर लिया है, ऑयल से हल्का ग्रीस भी कर लिया है। तो अब इसके अंदर डालेंगे बैटर जो हमने पेनकेक के लिए बनाया है ओरियो बिस्किट से। तो इसे हम इस तरह से, इसे हमें फैलाना नहीं है बिल्कुल, बस ऐसे ही डाल देना है। देखें तो यहाँ देखें बबल्स होने लगा है। यहाँ इसको लीड लगा देंगे, 2 से 3 मिनट तक इसको बेक कर लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है, हाई नहीं रखना है ना मीडियम रखना है। यहाँ 2 मिनट हो चुका है, हम लीड हटाकर इसे चेक कर लेंगे। तो देखें एक साइड से ये कितना अच्छा से हो चुका है, दूसरी साइड भी इसी तरह हम सेक लेंगे, इसको बेक कर लेंगे। तो इसे हम दूसरी साइड भी 2 मिनट के लिए बेक करेंगे। 2 मिनट हो चुका है, हम इसे भी चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ से कितना अच्छा बना है। इसी तरह से हम और भी बना लेंगे। तो
यहाँ आप देख सकते हैं हमारा दूसरा वाला भी डोरा केक उसी तरह बनकर रेडी हुआ है, तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए, तो देखें ये जो मैंने क्रीम निकाल के रखा था, इस क्रीम में मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड करके लिक्विड मिल्क लिक्विड अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। तो अब ये दोनों साइड से अच्छे से हो चुका है, हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ डोरा केक बनकर रेडी है, तो चलते हैं इसको क्रीम से डेकोरेट कर देते हैं। ये जो क्रीम है उसे फेंकना नहीं है, आपने भी इसी तरह से यूज़ कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इसे बनाना कितना इजी है। तो मैंने दोनों साइड में लगा दी हूँ, तो देखें आप कितना अच्छा, कितना अच्छा देखने में लग रहा है, उतना ही टेस्टी खाने में भी है ये। तो यहाँ हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ बहुत ही आसानी से ये कटिंग भी हो जाता है, देख सकते हैं आप। तो आप भी इस तरह बना लीजिए डोरेमोन का डोरा केक और अपने बच्चों को, अपने घर में बड़ों को खिलाइए, वो आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। जब पेन केक ठंडा हो जाए थोड़ा 10 मिनट बाद ही क्रीम इस पे लगाइएगा। तो कैसी लगी डोरा केक की रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो न्यू है मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक न्यू रेसिपी सीखने के लिए, वीडियो देखने के लिए। तो टेक केयर, फिर मिलेंगे कल एक नई रेसिपी के साथ।